अगर आपको मिडवाइफरी केस बुक फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स मिडवाइफरी मिद्वा, केस बुक का ये जो टॉपिक है इंशेषन ऑफ इंटरव्यू डिवाइस तो इसको कैसे फिल करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं हम तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको टोटल पाँच केस ऐसे भरने हैं जो कि हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं पेशेंट आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्शन ऑफ यूट्राइन डिवाइस का यूज़ इसलिए होता है टू स्केप फ्रॉम प्रेगनेंसी यूट्राइन डिवाइस का यूज़ होता है तो इन इसमें ये कुछ डिवाइसेज होती हैं जो कि इंसर्ट कर दी जाती हैं वेजाइना में जो कि जो मेल स्पम होता है उसको फीमेल ओवम से मिट वो करने में फ्यूज़न होने से प्रिवेंट करता है तो अब देखते हैं कि ये केस को कैसे भरते हैं तो इसमें पहले हॉस्पिटल नेम देखना है कि कहाँ का केस है किस हॉस्पिटल का केस है वो या यहाँ पे हॉस्पिटल का फिल करना है रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है पेशेंट का जो फाइल होता है उस पर यू एच आई डी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है वो फ़िल करना है फिर मदर का नेम क्या है वो फिल करना है फिर एज और फिर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वो मदर जो है फ़ीमेल उसको कितने बच्चे हैं जिसमें से कितने लाइव हैं कितने डेड हैं फिर उसके बाद उसको ये फिल करना है मेस्टुरल ब्लीडिंग उसको मैस्ट्रल ब्लीडिंग हो रही है कि या नहीं हो रही है उसके बाद फिर मदर ने कभी एबॉशन करवाया है या नहीं करवाया वो करना है ये सब इसलिए पता करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि मेस्ट्रोल ब्लीडिंग के टाइम पे आप इंट्राट्राइन डिवाइस को इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं उसे इन्फेक्शन होने का डर होता है फिर उसके बाद नेम ऑफ द आईयूडी कौन सा आईयूडी है कौन सा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जैसे कि कॉपर्टी और कई होती हैं फिर उसके बाद आपको वाइटल साइंस फिल करना है जैसे कि पल्स बीपी, पी रेस्परेशन टेम्परेचर और फिर एडवाइस आपको एडवाइस देना है क्योंकि आप नर्सिंग स्टाफ हैं तो आपको एडवाइस देना है कि उस टाइम क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है तो जैसे अवॉइड टेम्पॉन टेम्पॉन एक सॉफ्ट स्पॉन्ज टाइप मटेरियल होता है जो कि मेस्ट्रल ब्लीडिंग में जो ब्लड होती है उसको एब्जॉर्व करता है इंट्राट्राइन डिवाइस के इंसर्शन के कुछ 24 घंटे तक टेम्पन का यूज़ नहीं करना होता है और 24 घंटे तक अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स 24 घंटे तक नहीं करना है फिर उसके बाद फिल करना है परफॉर्म बाय किसके द्वारा परफॉर्म किया गया डॉक्टर का नाम दोनों में और सुपरवाइज मतलब एक जो परफॉर्म किया और एक किसके अंडर में ये हुआ वो यहाँ डॉक्टर्स के नाम फिल करने होते हैं तो फ्रेंड्स ये बस इतना ही था थैंक था। यू